घंटे लेट तो एपी हो चुकी है सर, ढाई घंटे लेट है एपी, जो वापस जा चुकी है और एवी लेट है, पौन घंटे से लेट हो चुकी है, साढ़े पाँच बजे का टाइम लेट हुई तो मालवाड़ी लेट होगी, इसके बाद वाली सब गाड़ियां लेट होगी, लेट है तो मालवा भी लेट होगी सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम टेकचंद प्रजापति है। हाँ जी टेकचंद जी, बताइए क्या वजह है ट्रेन लेट होने का, क्या कारण बता रहे हैं? यहाँ पर कोई व्यक्ति जो घूम रहा था, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि वो रेलवे का, मैंने उनसे पूछा था, यहाँ पता नहीं कोई ट्रेन लग रही थी लगेज के कारण लगी जी, मैं ये गाड़ी लेट क्यों हो रही है, कोई तार आर में कोई खराबी है इसकी वजह से गाड़ी से लेट खराबी है। और इंटरसिटी भी खड़ी हुई है, अभी उसमें इंजन भी नहीं लगा है, समझे, एपी भी अभी प्लेटफार्म नंबर 4 पर लगी हुई थी, 4 पर लगी हुई थी, उसको बैक करके पता नहीं कहाँ ले जाया गया है। और ये जो ग्रांटर जीटी के इसको कहते हैं, जे भी खड़ी हुई है। अच्छा, और गर्मी में बहुत परेशानी है यहाँ पे। और जो आगे जो है तुम्हारी जो डिब्बा है उसके अंदर क्या नाम है, सवारियों को बैठना चाहिए था, लेकिन उसके डाक का सामान रखा हुआ है क्या, हम तो घर जानते नहीं है, पढ़ लिखे हैं, डाक का सामान ही लगता है। तो ये ट्रेन है जो लेट हो रही है, कब से आई? अब हम तो यहाँ पे करीबन 5:30 बजे करीब आ गए थे, तो मेरा इंटरसिटी निकल गई होगी तो जीटी पकड़ लेते, मैंने देखा तो इंटरसिटी भी खड़ी हुई है, जीटी भी खड़ी हुई है, एपी भी खड़ी हुई है। तो ये क्या रेलवे वाले क्या कुछ इसमें बता रहे हैं कि क्या कुछ समस्या? पूछा नहीं किसी, कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं सर, कि प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से लेट है, ये बात बताई नहीं है किसी, पूछा भी हमने कि क्या दिक्कत है, किस कारण लेट हो रही है ट्रेन, तो इन्होंने बताया नहीं है कि इस कारण लेट हो रही है। और यहाँ से ही चालू होती है ट्रेन, ये आपको मालूम है कि ट्रेन यहाँ से ही रिलीज है, फिर भी लेट हो रही है, तो आगे चल के क्या होगा, आगे भी लेट होती जाएगी। और बच्चे से आए तो मान लिया जाए, चलो तो आगे से लेट होती जाती है तो लोग मान लेते हैं, व्यवस्था है तो आगे बताइए क्या ये गाड़ी पहुँचेगी, 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, कोई पता नहीं।